खबर है मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित बांगुर नगर की, जहां मामूली विवाद के चलते हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें, मामूली विवाद के चलते हत्यारे पति ने बेसबॉल बैट से पीट पीट कर पत्नी और सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया था और खुद वहां से फरार हो गया था, जिसकी तलाश मालाड पश्चिम स्थित बांगुर नगर पुलिस कर रही थी। और आखिरकार बांगुर नगर पुलिस ने कई टीम बनाकर 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद हत्यारे पति ड्रेसन मार्कोस डीसा को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात को अंजाम 29 दिसंबर को दिया गया। हत्यारे का पत्नी और भाई से प्रॉपर्टी को लेकर मामूली विवाद हुआ और हत्यारे पति ने गुस्से में आकर बेसबॉल बैट से पति चित्रा ड्रेसन डीसा, जो कि 34 वर्षीय है, और भाई डेमियन मार्कोस डीसा, जो कि 43 वर्षीय है, इनकी जमकर पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराई और इस मामले की जाँच में जुट चुकी थी, लेकिन आरोपी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जाल बिछाकर आखिरकार आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। एवरशाही नगर बांगुर नगर में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि एक महिला का मर्डर हो गया है और एक पुरुष जख्मी अवस्था में है। तो जब चेक किया तो पता उनके महिला के पति के ऊपर ही प्राइमा फेसी डाउट हमारा आया था। बाद में दो तीन दिन बाद पुरुष की भी मृत्यु हो गई, तो डबल मर्डर का ये केस था। आरोपी खूब बहुत शातिर था और अलग अलग जगह पर भागने का उसने प्रयत्न किया और हमारी पुलिस की मल्टीपल टीम्स ने पनवेल, गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता, ऐसे चार स्टेट, महाराष्ट्र पकड़ के चार स्टेट के अंदर इसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद कल शाम को कोलकाता में एक लॉज में से उसको अरेस्ट करने में सक्सेस प्राप्त किया है। आरोपी का नाम ड्रेसन डीसा, ऐसा ही आरोपी का नाम है, और बेसबॉल बैट से बहुत ही क्रूर तरीके से अपनी ही पत्नी और भाई का इसने गुस्से में कौटुंबिक वाद के अंदर हत्या किया, ऐसा उसने कबूली दिया है और उसको अरेस्ट करके पुलिस अब आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके पत्नी से भी और भाई से भी बार बार झगड़े होते थे, पुरानी हिस्ट्री भी है, पुलिस स्टेशन में भी NC वगैरह पहले दिया हुआ है। पत्नी के साथ कौटुंबिक क्लेश भी था, डाइवोर्स तक भी मैटर थोड़ा जा रहा था और मॉर्निंग में झगड़ा हुआ, झगड़ा बढ़ा और उसने बेसबॉल बैट से दोनों के ऊपर हमला कर दिया और पत्नी की तो जगह पर ही मृत्यु हो गई थी और भाई दो तीन दिन ICU में रहा, उसके बाद उसकी भी दुर्दैवी मृत्यु हो गई थी।